रंजन अमर रहे। वी वन उतना ज्यादा वीडियो मत बना, बहुत ही वीडियो बना एओ को बनाने दो ना, हो गया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। चल अभिषेक रंजन अमर रहे, अभिषेक रंजन को न्याय दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, गिरफ्तार हुए छात्रा को रिहा करो, गिरफ्तार छात्रा को रिहा करो। वी वांट जस्टिस। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है, लेकिन ये जो एक्सीडेंट था, ये जो घटना था, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इससे सीख लेने की क्या जरूरत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ डिस्कस करनी है। हम अगर जाएंगे पूरे अंदर रियलिटी के अंदर कि हुआ क्या था, तो अभिषेक की जान बस एक्सीडेंट के कारण नहीं गई थी। अगर देखा जाए तो अभिषेक की हत्या हुई, हत्या इसलिए हुई कि एक बस में 150 बच्चे को रखा गया था और उस बस में कोई कंडक्टर नहीं था, बस में सिर्फ एक ड्राइवर था और इसके कारण ये दुर्घटना हुई, मिसमैनेजमेंट हुआ और उसकी जान चली गई। सब लोग फोटो देखे होंगे, कितना दर्दनाक फोटो था। अभिषेक भी किसी माँ का बेटा था, हम लोग भी अपने घर से आते हैं, एक दिन अगर कॉल से किसी से बात नहीं होता है तो मम्मी परेशान हो जाती है, पापा परेशान हो जाते हैं। अभिषेक को जब देखोगे तो देखे होंगे कि उसके बॉडी के पार्ट जो थे वो निकल के रोड पे बाहर आ गए, तो इतनी दर्दनाक घटना थी। जब छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, मुआवजा मांगा शुरू में 25 लाख रुपया, तो सिर्फ जैसे कि 5 लाख रुपए की भीख दी जाती है वैसे देके उसको हटा दिया गया, और जब स्टूडेंट बैठे रोड पे तो उनपे केस कर दिया गया। अगर ज्यादा से ज्यादा कोई भी केस होगा एनएच जाम करने का तो सीआरपीसी 383 और 186 का केस होगा, लेकिन उनपे संगीन धारा पे FIR किया गया। सुबह में बच्चे अपने सीनियर और बैचमेट के लिए जब पुलिस स्टेशन गए तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभिषेक इंजीनियर था, आगे चल के बहुत अच्छा इंजीनियर वो बन सकता था, देश का नाम रोशन कर सकता था, हमारे समाज का नाम रोशन कर सकता था, लेकिन आज वो नहीं रहा। अब इससे सीख लेने की जरूरत हम लोगों को भी है, हम लोग भी एनएच पे आते हैं। अभी FOB का बात कौन बता रहा था सर, कब दिए थे एप्लीकेशन? फरवरी में। किसको दिए थे? प्रिंसिपल के पास। जय बर्गर। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है फुट ओवर ब्रिज का, हम लोग इसको भी इस चीज से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जब भी कॉलेज आते हैं या तो एनएच तरफ के आना पड़ता है या ऐसे नीचे से घूम के आना पड़ता है, एनएच बहुत बिजी रहता है, एक्सीडेंट बिल्कुल होगा, आज नहीं होगा एक महीना बाद, एक साल बाद एक्सीडेंट निश्चित है कि किसी ना किसी बच्चे का होगा। फिर बाद में जो हम लोग कैंडल लेके खड़े रहेंगे, इससे अच्छा है कि हम लोग अभी प्रोटेस्ट करें, अभी इसके लिए बात करें। तो हम लोग सोचे भी हैं कि आने वाले कुछ टाइम में एनएच पर धरना देंगे इस चीज से रिलेटेड कि फुट ओवर ब्रिज बने। और फिलहाल एक चीज है जो इशू सारे जूनियर है यहाँ पे, तो उन लोगों को ही बता दें, हम लोग सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पर छोटा सा कैंपेन करें अपने फुट ओवर ब्रिज को लेकर। अभी सबको पता होगा कि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, बिहार विधानसभा का, तो हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है जनरली हमारे विधायक होंगे यहाँ के, तो उनका जो लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट होगा उस पर कमेंट में जाके हम लोग एटलीस्ट 2000 कमेंट का टारगेट रखे हैं कि नीचे में जाके लिखेंगे वी डिमांड फुट ओवर ब्रिज ऑन दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ जितने भी जूनियर और सब अगर 2-2, 4-4 कमेंट करोगे तो 2000 कमेंट चला जाएगा, इससे